मेरा पहले से इरादा था गांजा से रुख्सत होते वक्त आप हजरात के साथ एक निश्चित मुलाकात के सिलसिले में मुनाकिद करूँगा, जिसमें जानना के असाज़ा हूँ हजरत अज़ीज़ मिल्लत में हजरत सैदुलमा हूँ नाज़िम आला हूँ। कुछ इंतज़ामिया के अहम अकाम हैं, लेकिन ये ना हो सका। सबब जाहिर है कि हुकूमत का फरमान आया और खुद मैंने ही 31 मार्च तक की लिए तातील के ऐलान के साथ ही ये मेरे दिमाग का सारा खाका फिर मंसूख हो। फिर मैं कल सोचने लगा कि कुछ असाजा होंगे छः सात बार उन्हीं के साथ मैं बैठ कर कुछ बातें कर लें। बंद 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 बंद। मगर फिर ख्याल आया कि कौन कहाँ है, छुट्टी का वक्त है, इसको बंद बंद कर दीजिए। हर एक का अपना कुछ प्रोग्राम होता है, इसमें थोड़ा अंदाज बना मुनासिब नहीं है। और अब हमें अपने तौर पर यहाँ से रुक सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दिल से जो बात निकलती है सरकती है और नहीं ताकते परवाज में करती है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है और उसने इत्तेफाक किया कि हम इतने लोग आज इकट्ठा हुए। जब मैंने सब उठाकर देखा दस्तरखान से देखा कि चिसान खान मौजूद है, उसी वक्त मेरी राय हुई कि कौन हम लोग चंदई आदमी मिल बैठ में कुछ बातें हो जाए। और वो चंद माशाल्लाह बहुत हो गए और मुझे बेपना खुशी है कि जो दिल का अरमान था वह पूरा हो रहा है। अगरचे इस मजलिस में हमारे अकाबिर हमारे बुजुर्गों और हमारे मुशायरे नहीं हुए, लेकिन आप हजरात की मौजूदगी भी हमारे लिए बाइस सवाल और बाइस हमारे तदरीसी साल को जिंदगी हमारी तदरीसी जिंदगी तो बहुत तवील है। शमसी साल के लिहाज से 41 साल और अपने साल के लिहाज से 42 साल, जो बाज़ाब्ता तकारुर के वक्त से शुरू होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यह अर्ज करूँ कि बाज़ाब्ता तकारुर से 2 साल पहले ही से मेरा तदरीसी दौर शुरू हो गया था यूनिवर्सिटी। तो अगर उन 2 सालों को भी शुमार कर लिया जाए, शुमार करना ही चाहिए, इस तौर पर मेरी कुल तदरीसी ज़िंदगी जामिया शर्फिया में शमसी साल के लिहाज से 43 साल और कमरी साल के लिहाज से 45 साल 42 और 44 साल। तो इतना बड़ा वक्फा किसी को तदरीस का मिल जाना ये खुद उसके लिए बड़ी सआदत की बात होती है। ये अल्लाह का करम है, सरकार की रहमतों का सदका है
कि हमें जामिया शफिया जैसे जामिया में आम इदारे में 44 साल तक तदरीस का बाज़ाब्ता मौका है। तो बड़ी बात, बस आप अल्लाह से दुआ है कि दरख्वास्त है कि आप दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला हमारी इस तदरीसी ज़िंदगी को अपनी रजा के लिए ख़ास फरमाए और शर्फ कबूल अता फरमाए और इसे हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए ज़रिए आखिरत और ज़रिए वसी नगार और वसीले कोशिश। हम किसी लायक नहीं, ख़ास तौर पे इस लायक हम पता नहीं थे कि हम सदारत मुदरसी का मनसब संभालें। हमारी दुनिया ही अलग थी, वो अलग दुनिया है और ये अलग दुनिया है, वो अलग मैदान ही अलग मैदान है। मैं कुदरत को जो मजदूर था हुआ और मैं नाम के लिए ही सही सदर मदरसी या रईस मदरसी की हैसियत से मसद सदारत पर मुतमक्की, क्योंकि मुझे तजर्बा तो दूर की बात है इस मैदान का और इस दुनिया का न तजर्बा था और न ही इस सिलसिले में मुझे कोई शनाशाई और कोई वाकफियत थी, कुछ भी मैं वाकफ नहीं। मैंने दावत देने वाले जिम्मेदारों से कहा था कि उन्होंने हमसे जो कम लोग हैं जो साजा हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम है, आप उनमें से किसी के इंतखाब करें। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जैसे हज़रत मिसबाई साहब की का ताउन किया है, इंशाल्लाह जो हमारे जूनियर हमारे हुक्मरान बनकर आएंगे हम उनका भी साथ देंगे, उनका मुकम्मल ताउन करेंगे, वो इसके लायक होंगे, हम इसके लायक होंगे। हम बीमार भी रहते हैं, हमारे ज़िम्मे दूसरी मसरूफियात भी हैं, जानवरें भी हैं, इसलिए मुझे माफ़ किया। लेकिन वो राशि न हुए और आखिरकार मुझे ये काम तफ्वीज़ हुआ। तो मैंने बार बार इस मसले पर गौर किया कि मुझे किस तौर पर ये काम करना चाहिए। एक आदमी तजर्बाकार हो तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत कुछ कर लेता है और हर मोड़ पर मुस्तकिल फैसला कर लेता है, यहाँ तक कुछ नहीं था। तो मैंने हालात का जायज़ा लिया, आप हजरात के फिक्र और मिजाज को भी मैंने करने की कोशिश की और मैंने एक रात की तरह ही ये फैसला लिया कि हमें नर्म पॉलिसी के साथ ये कारवां सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी ना तजर्बाकार हो उसके लिए इसके सिवा और कोई राह ही नहीं। तो मैंने वही पॉलिसी इख्तियार की और उसी तौर पे मैं ये कारवां लेना चाहता हूँ। उसी पॉलिसी के तहत मैंने कभी भी किसी के साथ सख्ती नहीं, कभी मैंने ऐसा भी हुआ है कि कुछ बातें ऐसी देखी जिस पर हमें मुतनब्बे करना चाहिए था, मैं बस हमने सर्फ नज़र किया। हाँ, बात जब कभी बहुत आगे बढ़ गई हुज़ूर शरीफ़ की हद तक मजबूरी थी, क्योंकि अब बात ऐसी आ गई थी कि हम मुतनब्बे ना करें तो हमें अल्लाह के यहाँ जवाब दिया होगा। जब हमने ये देखा कि अब खामोशी से हम अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाएंगे तो हमने अपने आप को उससे बचाना चाहा। और ऐसे हालात में हमने अपार असातिज़ा के साथ कुछ दस्तूरे जामिया के मुताबिक कार्रवाई की, सख्ती नहीं की, दस्तूरे जामिया के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमने कुछ कार्रवाई की। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो दस्तूर हमको दिया है हमने उसी दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया है और उसी दस्तूर को अमल किया। लेकिन ऐसा हमारे दौरे सदारत में शास की मानी है, ज़्यादातर यही है और मुकम्मल यही है कि हमने इस तरफ सोचा भी नहीं। एक काम मैंने और किया, असातिज़ा हों, तलबा हों, मुलाज़मीन हों, जिसका जो भी काम आया और कानूनी हद तक मेरे इम्कान में था तो मैंने किया
और किसी भी शख्स को मैंने वापस नहीं किया। हमारे यहाँ ला नहीं था, नहीं नहीं था, हाँ था, ईजाद था, इस्लाम। मैंने जिसका भी काम आया सबका काम किया। हाँ, कोई ऐसा काम हो जो कानूनी नुक़्ते नज़र से, दस्तूरी नुक़्ते नज़र से मेरे दस्तरस से बाहर हो, मेरे दायरे इख्तियार से बाहर हो, तो मैंने वहाँ अपने आप को मजबूर और आजिज समझा और वहाँ मैंने बड़ी लजाजत के साथ और नरमी के साथ माजरत कर ली। मुझे ऐसा एहसास है कि ऐसे बाज़ हज़रात हमारे तकलीफ भी हुई, मगर ये तकलीफ इस वजह से हुई कि हम उस काम को कर नहीं सकते, हम आजिज हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी वसअत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मैं उस सिलसिले में माफूस नहीं हूँगा, क्योंकि वह हमारे दस्तरस से और हमारे इख्तियार से, इम्कान से उस चीज़ बात, जितनी बात हमारी इम्कान में थी, हमारी इस्तेआत में थी, मुमकिन हद तक मैंने वहाँ हाँ किया है, काम किया है। हमने किसी को अपने हाथ से महरूम वापस नहीं किया है, चाहे मुलाजमीन हो, चाहे मदरसे हो, चाहे दूसरा स्टाफ हो, सबके साथ हम ये ऐसा रवैया। हमारे सामने अल्लाह ताला के एक फरमान था, इन्नल्लाह यामुरु बिल्अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का। इज्तमाही उमूर में हमने हमेशा निज़ाम अदल को बरपा किया और इनफरादी अमर में कोई आया और वो एहसान का हकदार था तो हमने वल एहसान के तकाजों पर भी अमल कर दिया। इस तौर पर शायद करीमा के दोनों अज़ा पर अमल किया, इज्तमाही उमूर में अदल और इंसाफ का और इनफरादी उमूर में जहाँ तक भी बन सका एहसान का और रहमंदगी का हमने गुजारा किया। ये हमारी तवील सदारत की ज़िंदगी की एक मुख्तसर कहानी है। 3 महीने कम आज शमसी साल के लिहाज से मेरे दौर सदारत को 7 साल हो गए। ये दौर एक खारदार दौर होता है, ये कुर्सी खारदार वादी कहलाती है, यानी कांटों का सेज। दाहिने करवट लीजिए तो भी कांटा चुभे, बाएं तो भी करवट, तो भी पेट डबल तो भी। हमने कोशिश की कि इस खारदार वादी को इस तौर पर पार कर जाएं कि हमें कहीं कांटा ना चुभे। आज मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी अदा करता हूँ, सजदे शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने फ़र्ज़ ख़ास से अपने ममूनों के एक सदक़े में हमें इस खारदार वादी से सलामत किया। अल्हम्दुलिल्लाह सलामत भी सर, न स्ट्राइक हुई, न हंगामा हुआ, न कोई और बात हुई, कोई बहुत बातें जो कहीं जो काबिल ज़िक्र नहीं है, और थोड़ी बहुत जो बात हुई है वहाँ भी अगर उसको फहमत हो इंशाल्लाह वो हमको माजूर करते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं। हमने साज़े क़याम का ये तकादुम के लिए भी अज़ीज़ मिल्लत दामुल्लाह क़ानून को सैर यहाँ सिफारिश की उससे रात मिलने के बाद, तो जो पहले का तरीका चला आ रहा था हम उस तरीके को बरकरार रखा। जिनकी सलाहियतें पढ़ती हुई हैं, जांची हुई हैं, तो उनके लिए तरीके कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती है, तो हमने भी उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। सबकी सलाहियतें सबके सामने थी, तो इस तौर पर हमने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो तामल चला आ रहा था जामिया शरीफिया का, तामल भी एक दस्तूर होता है, हमने उस तामल को अपने आप को गामजन रखा और उसी के मुताबिक सामने। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा ये दामन बिल्कुल पाक है, वह पता नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक खाम का ना तजर्बा का बल्कि नावाकिफ शख्स अगर कोई पुरपेज वादी से गुजरेगा तो
कहीं भूल चूक हो सकती है, खता भी हो सकती है। खताएं कौन सी हो सकती है जो इस मैदान के मालिक और जो खामकार है तो उसके तौर पर नंबर खता हो सकती है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो उसको आप नंबर करें, हम अपने इंतज़ामिया से भी और अपने जिम्मेदारों से भी आप हजरात से इस सिलसिले में बहुत साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहते हैं, जब अपने आप को कोई मुबर्रा नहीं समझते, कारनामा नहीं समझते हैं। हो सकता है कि एक दो खामियां मेरे आपके निगाह में आई हैं, मैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अगर मैं खामियों का मजमूआ हूँ, एक दो नहीं सैकड़ों नहीं हज़ारों बेशुमार खामियां मिले, ये खुदाए सत्तारों गफ्फार का करम है कि मेरी एक ही दो खामियां आपका मुकाशी है, मैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर कोई तजस्सुस करे तहकीक करे तो सैकड़ों खामियां मिले, एक ऐसे खामकार की क्या बात जिसे खुद अपने अंदर अगर दो चार खाम तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मैं आप लोगों को गवाह करता हूँ, उसने हमारे वजूद की पर्दा पोशी फरमाई, हज़ारों बेशुमार वजूद में एक दो चार हज़ार खुल गए किसी तरह से, वो कोई बात नहीं, ये भी उसकी शान है। हम एक बात को बहुत साफ तौर पर अर्ज कर देना चाहते हैं, हुकूक तीन तरह के हैं, एक तो बंदों के ऊपर अल्लाह का हक आया हकुल्लाह जैसे नमाज गुजार वगैरह है, इस ऐसे से अगर आप मेरी ज़िंदगी का जायजा लेंगे तो बहुत कुछ कम का बनता है। हो सकता है कि आप मुझे गुनाहों में गुजार हो, मैं नहीं करता कि आप कैसा पाएंगे। दूसरी सूरत होती है हक़ के नफ्स, कि अपने हुकूक और अपनी इफादियात और अपने मुनाफे वगैरह के मामले में आदमी कुछ काम ऐसे कर करता है जो कभी नहीं करना चाहिए, जिसको फितने औलाद और अमवाल वगैरह से भी ताबीर किया है कुरान में, बल बाग में आदि से, तो ये हक़ के नफ्स में आता है। हक़ के नफ्स का अगर जायज़ा लेंगे तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ खामियों में गुनाहों में डूबा हुआ है। हम इसका क्या, तो इसलिए मेरी ऐसी ज़िंदगी का जायज़ा ना लिया जाए, तजस्सुस न किया जाए जिसका ताल्लुक हकुल्लाह से हो या जिसका ताल्लुक हकुल्नफ्स से। हमारा मामला है, हमारे रब का मामला है, वो हमारे साथ जैसा चाहेगा फैसला करेगा। हाँ, एक हक हकुल्अब्द है, हकुल का मतलब हमारे जिम्मे आपकी अफसर के हकूक, अफसर के हकूक दूसरे बंदों के हकूक। एक बंदा जो बीमार भी हो, ना तजर्बाकार भी हो, तोहफा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके हकूक अदा कर, फिर भी हक की इस तीसरी किस्म के लिए मैंने भरपूर कोशिश की है और फ़राह तला का खौफ दिल में रखकर मैंने कोशिश की है कि किसी भी बंदे का हक मेरी वजह से दबने ना पाए और मुखर भी ना। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप मेरी इस ज़िंदगी का जो हकुल अद से ताल्लुक़ रखती है आप जायज़ा ले सकते हैं, और कहीं आपको कोई खामी नज़र आए तो बरमला आप उसे कर दें, हम आपसे माफ़ी के खतरार होंगे। आप चाहेंगे तनहाई में, हम तनहाई में माफ़ी मांग लेंगे, आप चाहेंगे पजमे आम में, तो अल्लाह ताला ने बहुत कुशादा कल उसको अता फरमाया है। अरे छोटा मगर कहना, इंशाल्लाह हम हज़ारों के पजमे आम में भी आपसे मांगेंगे। हक़ुल अब्द का मामला ऐसा होता है कि जब तक बंदा माफ़ ना करे अल्लाह तबारक व ताला सब माफ़ कर देता है, तो उसकी अदालत आलिया का दस्तूर यह है कि जब तक बंदा माफ़ न करे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे। इसलिए हमने ख़ास तौर पर
حق کے اس شعبے کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا، بامال نہیں ہونے دیا، اور ہمیشہ ہم اس بات کا خیال رکھا کہ جو بھی آئے ہمارے امکان میں اس کا کام کر دو، واپس رکھو۔ ہماری سرکار کی سنت ہے کہ آپ یہاں کبھی لا نہیں تھا، نہیں نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی بارگاہ کا نقطہ آدمی بنا ہوں۔ اگر اس سنت پر ہم بھی چلتے ہیں تو شاید اس کا صدقہ ملے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بخش اور مغفرت فرما دے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر ہم نے بھی اپنے آپ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں لا نہیں رہے گا، نہیں نہیں رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی پوری کر لی ہے۔ یہ ہماری اپنی بات ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، میں بھی اپنی تعریف کرتا ہوں، حالانکہ خود ستائی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ حال ہی کہتے ہیں اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں پر خود ستائیوں کے عنوان جدا جدا۔ ہم نے کسی عنوان سے اپنی خود تعریف کر لی، یہ ٹھیک ہے، مگر اس بات کو اور اس حقیقت واضح کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو ہم نے اپنا پاس صاف رکھنے کی کوشش کی ہے۔ باقی جو دو حقوق ہیں اس میں آپ ہم کو آگاہ کریں، مگر اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، ہمارے ہم سے ہے اور ہمارے رب سے ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ہمیں معاف کریں۔ اخیر میں ایک بات ہم اور عرض کریں گے، اور یہ بھی اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں حق الحق کو ادا کرنے کی پوری توفیق دی۔ اب ایک بات اور آخری بات، ہم نے اپنے بڑوں سے ملاقاتوں میں مذاکرات میں یہ بات سنی کہ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے اندر بہت کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، انہیں کام کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہو پاتی، خوابیدہ ہی رہ جاتی، بلکہ یہ اور زیادہ سو جاتی۔ ہمارے جماعت کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صلاحیتوں کی اظہار کا بھرپور موقع بھی دیتا ہے۔ جیسے ماضی میں حضور سیدی حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ حال میں حضرت عزیز ملت سب اعلیٰ پیر طریقہ شاہ عبدالحفیظ صاحب دم البرکاتہ، نظم و نسق میدان میں اور تعلیم اور تعلیم اردو ارتقاء کے میدان میں صدر العلماء حضرت مولانا محمد احمد مصطفیٰ، یہ نظام کا نام جو صلاحیت دی تو اس صلاحیت کے اظہار کے لیے بھرپور موقع ملا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس صلاحیتیں کم ہوتی ہیں مگر ان صلاحیتوں سے زیادہ اظہار کا موقع اللہ تعالیٰ کو موقع ملا۔ اگر اس کی کوئی زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے کروں۔ صلاحیت نہیں ہے، مجھے اعتراف ہے کہ آپ میں ہر شخص مجھ سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے، اچھی استعداد رکھتا ہے، آپ اچھے عالم ہیں، فاضل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میری کچھ شہرت بھی ہوئی ہے تو یہ بس اللہ کا فضل ہے، میری اپنی صلاحیت کا دخل نہیں ہے۔ آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا فقیر ہے، آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا مدرس ہے، آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا عالم ہے، مجھ سے بڑا دانشور ہے، مجھ سے بڑا فہیم ہے، فقیر ہے، باقی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں اگر یہ جامعہ نصیب نہ ہوتا تو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہ ملتا، جامعہ ملنے کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا، اس لیے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری انتظامیہ نے ایک نادان کو، ایک کمزور کو، ایک کم فن جامعہ کی خدمت کے لیے انتخاب کیا 44 سال، اور ادھر اخیر میں آ کر کے تقریباً 7 سال، تو انہوں نے ہمیں اپنی صلاحیتوں کی اظہار کا بھی موقع دیا بلکہ اپنی صلاحیتوں سے بہت زیادہ اظہار کا موقع دیا، اس لیے ہم اپنی انتظامیہ کے عمومی طور پر اور حضور صاحب اعلیٰ صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ ہم کو یہ موقع عطا ہے۔ ہم آپ ہزار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کام کیا ہم نے نہیں کیا،
حقیقت میں آپ نے کیا, آپ کا تعاون برابر ہمارے ساتھ رہا, اس تعاون کی وجہ سے گاڑی آگے, سب کا تعاون ہے, سب کا ساتھ ہے اور معاملہ کام آگے بڑھتا ہے. جس میں خاص طور پر کچھ حیثیتوں سے ہمارے ماسٹر ناظم مطبخ فیاض احمد عزیزی صاحب نے بڑا تعاون کیا ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مولانا رفع القدر صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ میرا بہت بڑا تعاون کیا ہے, انتظام وغیرہ کے نظم و نسق کے سلسلے میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بہت سے قانونی امور میں ہم تو قانون نام کی چیز بھی نہیں جانتے تھے, قانونی امور میں ہمارے ماسٹر عالی جناب ماسٹر قیصر جاوید صاحب نے ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہم کو سنبھالے رکھا اور ہم کو اعظم گڑھ کی آفسوں تک بھی انہوں نے جانے کا موقع ملا. اتنے سب مدرس ہیں جو لکھنؤ کی خاک چھانتے رہتے ہیں, اعظم گڑھ کی خاک چھانتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے افسروں کا دوڑتے رہتے ہیں, مگر میں ان سب سے بری رہا, پاک رہا, صاف رہا, یہ سب اس مرد جانباز کی, انہوں نے کبھی ہم کو ایسی زحمت نہیں آنے دی جس کی وجہ سے مجھے اعظم گڑھ بھی جانا. تو ہم ان کا اور ان کے عوام صاحب اور آغاز کا بہت شکریہ. ماتا عبدالرحمٰن صاحب سے بھی میں نے کئی بار مشورے دیے ہیں اور انہوں نے مفید مشورے دیے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ لوگوں سے تو برابر ہمارا ساتھ رہا, اور امرہم شورا بینہم پر بھاگ نے فرمایا کہ اس امت کا کام بعض مشورے سے ہوگا, تو ہم نے تقریباً ہر بڑا کام آپ کے مشورے ہی سے کیا ہے. آپ نے اچھے مشورے دیے, مفید مشورے دیے, وہ مفید مشورے نہ ہوتے آپ کا تعاون نہیں ہوتا. ہمارے ماسٹر فیاض صاحب ہیں, ہمارے عالی جناب ماسٹر فیض جاوید صاحب ہیں, مولانا رفع القدر صاحب ہیں, ان کے عوام انصار ہیں, تو یہ گاڑی کھسک نہیں سکتی. آپ سب کے تعاون سے اللہ کا شکر ہے یہ کارواں چلا, خوب چلا اور چل کر منزل مقصود پر پہنچا. آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وادی میں آ کر بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجروح ہو کر جاتے ہیں اور ہم مسرور ہو کر جاتے ہیں, عزت کے ساتھ جا رہے ہیں, رخصت کے اور عزت کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. ان سب میں آپ سب کے کام کا دخل ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل کا, سرکار کے کرم اور عنایت کا بہت بڑا فضل ہے. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں دونوں کا رہنا خوش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کا شکر ادا کرتے ہیں. پھول کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ پہنچ جاتا ہوں گلشن کے راہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب ہمارے سب کے سکول کو اور ہمارے سکول دور تدریس اور دور زیارت حاضروں کی ادا کر ہمیں معاف فرما, اور تو عالم العالمین عدم فرما, ستار پردہ پوشی فرما, غفار پوشی کریم کرم فرما, اور ہم سب پر کرم فرما, سارے مسلمانوں کے عالم پر کرم فرما, اور اپنی رحمتوں سے وافر سکتا الہی خیر لدانی بھاپ کے شاہ جی رانی, الہی خیر لدانی بھاپ کے شاہ جی رانی, الہی خیر لدانی بھاپ کے شاہ جی رانی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ کے خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شخصیت باقی رہ گئی حضرت مصباح صاحب, تو ان کی خدمات, ان کا تعاون, ان کے حوصلہ افزائی سب کے اوپر ظاہر ہو, ہم ان کے لیے بھی سراپا سفار سے شکریہ آپ لوگ کا, آپ لوگوں نے ہم چاہتے تھے ہم لوگ ذرا مل بیٹھ لیتے تھے بچہ تھا نمائندگی کی ساتھی کی طرف سے بھی شاخ میں اسی تکالی ہم لوگوں کی طرف سے ڈبل سامنے بیچ ہے کسی نے بھی تذکرہ اسی طرح سے بھی کیا ہوں
आप सबकी तरफ से कोई बात नहीं है, हमारा दिल अलहमदिल्ला साफ है, हमें कुछ काम करना है, काम करते हैं। छोटे से दिल में अगर दुनिया की चीज़ें भी रखेंगे तो हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा दिल हमेशा सबके लिए साफ रहता है, खुशहाल रहता है। अल्लाह अपनी तरफ से सबको मिले। ठीक है, तो बताऊँगा मुसाफा कर लें इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह।